इंटरनेशनल टीम है उसको आप इजी नहीं ले सकते, इवन वो जिम्बाब्वे हो, वो इंटरनेशनल टीम है और वैसे ही खेलेंगे जैसे हम बाकी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं। बिल्कुल जी, एग्रेशन के साथ हम खेलेंगे और कोशिश ये होगी कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। यहाँ पे पिंडी में आपको पता है कि थोड़ा सा बॉलर्स को अर्ली ऑन हेल्प मिलती है और वेदर भी चेंज हो रहा है, तो कम्बिनेशन उसी हिसाब से करेंगे। नेशनल T20 में काफ़ी यंग लड़के आए हैं, काफ़ी ने परफॉर्मेंस किया है बैटिंग में, बॉलिंग में, बहुत से नए जो चेहरे थे वो सामने आए हैं और उन कुछ चेहरे हमने लिए भी हैं, जो प्लेयर्स आए हैं जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है, हैदर अली हमारे साथ इंग्लैंड टूर में गया था, वो भी टाइम बाय टाइम इस्टेब्लिश होता जा रहा है। तो कोशिश यही होगी कि उस्मान कादिर भी है तो उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लैंड टूर में नहीं गया लेकिन इस नेशनल T20 में उसने अच्छी बॉलिंग की, आउट की हैं तो वो भी टीम में वापस आया, तो काफ़ी अच्छा यंग लॉट जो आया है वो काफ़ी अच्छा, और उम्मीद करता हूँ कि वो जैसे इन्होंने नेशनल टीम में खेला है या जैसे जो भी क्रिकेट खेली है वैसे ही पाकिस्तान टीम में खेले। I believe it's been 5 years since we've been to Pakistan. Last time we were here was 2015. It's been great so far. The hospitality has been fantastic. They're looking after us really well. We've managed to have a couple of practices and it's been really good. Obviously the conditions are different from back home, so guys are still getting used to the conditions, but so far it's been really good. We have a couple of guys that have taught Pakistan before, so they have a lot of experience when it comes to Pakistan conditions, so we've been bouncing ideas to the new guys, and you know, it's Super League game, so every game that we play is important. Each game that we win brings us closer to 2023 World Cup, so we're really focused on that and we're really desperate to win. सीरी अगर वनडे की बात करें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तीनों मैच जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली होम सीरीज़ भी है काफ़ी अर्से के बाद जहाँ पे खेल रहे हैं, तो कोशिश यही होगी कि अच्छी परफॉर्मेंस करें, जीतें ये मैच, और जहाँ कुछ ना कुछ हमें ट्राई आउट करना है वो भी देखेंगे इनिशियली कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसे होती है, किस तरीके से, और फिर देखेंगे कैसे हम चांस दे सकते हैं किसी भी नए लड़के को। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फुल पोटेंशियल पे खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलें, और जो स्पेशली अभी T20 टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट खेली है हमने वाइड बॉल में, हम उस किस्म की ब्रांड को यहाँ पे खेलें इस वनडे टूर्नामेंट में भी, वनडे सीरीज़ में भी, तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड। देखें, पहले दिन से जब से हमने ये टीम बनाई, ज्वाइन की, हमारी जो पहली मीटिंग थी उसमें बात ही ये हुई थी, हम इधर सिर्फ जीतने नहीं आए हैं, हम इधर डेवलपमेंट करने आए हैं। हर एक प्लेयर हम बिलीव करते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, और सिर्फ खेल नहीं सकता बल्कि एक एस्टेब्लिश प्लेयर बन सकता है वहाँ जाके। तो हमारा काम था कि किस तरीके से लड़कों को एक्सप्रेस कराएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको एम्पावर करें कि वो फील्ड में जाके इस कॉम्पिटिशन में, स्टिफ कॉम्पिटिशन में, डिसीजनस लें अंडर प्रेशर। T20 में भी हम लोग बिल्कुल खफा नहीं थे, इवन जब हम 7 में से 6 हारे हुए थे हमें बिलीव था कि हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे थे, हम बस मैचेस फिनिश नहीं कर रहे थे। तो जब एक बार वो मोमेंटम बना तो फिर हमने सारा फोकस उस पर रखा कि देखो अब मोमेंटम आया है, आसानी से मोमेंटम आया नहीं, 6 लॉसेस बाद मोमेंटम आया, तो हमने कोशिश की कि उस मोमेंटम को बरकरार रखें, और जो पॉजिटिव साइन था, जो अच्छा साइन था कि हम इस 4 डे में भी वही मोमेंटम के साथ आए हैं, और काफ़ी अच्छी आपको टीम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं इस पहले मैच में। पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले हुसैन तलत की मेच्योरिटी, सिर्फ 100 नहीं करना बल्कि 250 करना। आई थिंक अगर 250 नहीं होता, 500 रन नहीं होते, तो आज नॉर्दर्न ने एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन में आया है नॉर्दर्न। कई बार हम थोड़े से लकी रहे हैं कि हमें टाइम पे ब्रेक थ्रूज मिली हैं। फिर जायद महमूद की जो परफॉर्मेंसेस थी, अब्बास ने जिस तरीके से कल नया बॉल किया, क्योंकि जब ऑपोजिशन को 10 ओवर के लिए अंदर डालते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 1-2 एटलीस्ट आउट करके जाओ, और हम 3 आउट करके गए थे। तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने हाथ खड़ा किया, किसी एक बंदे ने वो नहीं किया, एक मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं हुई बल्कि डिफरेंट एरिया से कंट्रीब्यूशन आई है, वो बहुत प्लीजिंग रहा है। और देखें, टूर्नामेंट में स्टार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब पॉइंट्स ऑन द बोर्ड होते हैं
अगले मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, तो अब हमारी कोशिश यही होगी कि हम एटलीस्ट अगर आप फाइनल खेलना चाहते हैं तो 3-4 विन्स आपको टारगेट करनी है पूरे पॉइंट्स के साथ। तो अब जो 9 मैचेस मिले हैं उसमें हम कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पहली डबल सेंचुरी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारी टीम उस मैच में कॉम्प्रिहेंसिवली हमने विक्ट्री हासिल की और बड़े अच्छे मार्जिन से मैच जीता। स्पेशली हमने सारे पॉइंट्स जो बैटिंग और बॉलिंग के और मैच भी निके थे, और साथ हमें बोनस पॉइंट भी एक मिला जिसकी वजह से हमारी टीम को बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा जो आपने बात की रिवर्स स्वीप्स और स्कोप्स की, तो बिल्कुल T20 से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मैं कोई 2-3 साल से इन शॉटों पे बड़ी प्रैक्टिस भी कर रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की थी। अब मैंने एक साल से अप्लाई करना शुरू किया है, तो जी बिल्कुल काफ़ी अच्छी फीलिंग थी और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। और 100 आने के बाद जब मेरा 100 हो गया था, उसके बाद क्योंकि पिच इतना आसान नहीं था, बॉल टर्न अच्छा हो रहा था और तंग हो रहे थे बैट्समैन, तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि जो मुझे शॉट्स मिलेंगी वो फिर मैं उन पर पूरा अवेल करूंगा और स्कोरिंग शॉट्स खेलूंगा। ओवरऑल बिल्कुल एक ये टीम एफर्ट थी जिसमें सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग बहुत अच्छी की हम लोगों ने, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और हमारा जो ग्रुप ऑफ बंच है प्लेयर्स का काफ़ी मोटिवेटेड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से, स्पेशली कोच और कप्तान की तरफ से जिस तरह की मोटिवेशन मिली है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको कहा जाए कि जिस तरह की आप शॉट्स आपको आती हैं आप उसी तरह खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस अप्रोच से जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें अवेल आप कर सकते हैं। और बलूचिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, लास्ट ईयर मैं बलूचिस्तान से खेला था और मुझे पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और आसान नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इंशाल्लाह मैच में पूरी कोशिश करेंगे कि ये भी मैच इसी तरह खेलें जिस तरह हमने लास्ट मैच खेला। जिस तरह माशाल्लाह स्टार्ट मिला है हमें इस मैच में जीत के, तो ये हमारी एक प्लान थी। इससे पहले हमारी कोच साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमें यही प्लान दिया गया कि आपने सेशन बाय सेशन खेलना है, कि सेशन को किस तरह आपने जीतना है। तो हमने सेशन बाय सेशन ही खेल के जो है माशाल्लाह हमने पूरा मैच पे अबूर हासिल करके और पूरा मैच जीत गए। शुक्र प्लान लेके आया हूँ इस सीज़न के लिए इंशाल्लाह। और कोच साहब से भी 1-to-1 मेरी मुलाकात में यही बात हुई है कि कंसिस्टेंसी लानी है, ये कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगा अगले मैचेज़ में, और इंशाल्लाह इसमें जितना मैं हो सका मैं इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करूँगा और अगले मैचेज़ में इंशाल्लाह यही एक प्लान है हमारा कि इंशाल्लाह मेरा खसूसी कि मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूँगा इस कंसिस्टेंसी को। नेक्स्ट मैच को मैच के हिसाब से खेलेंगे डे बाई डे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सेशन बाई सेशन खेलेंगे इंशाल्लाह, और पोजीशन को देख के हम लोग खेलते हैं कि किस तरह सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हमारे सेकंड इनिंग में हमें थोड़ा सा तेज़ खेलना हुआ तो हम टीम के लिए खेलते हैं हर प्लेयर जितने भी हैं, तो माशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाबी हासिल हुई। आपने देखी कि हम पूरा मैच माशाल्लाह जीत गए। जो मतलब जो मेरे 8 विकेट है वो तो अगर टीम के विनिंग में आ गए तो बेस्ट होगा, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा था कि हम फर्स्ट इनिंग में उस तरह बैटिंग नहीं कर पे जो हमारे बैट्समैन, तो उस वजह से हम थोड़े फंस गए। सेकंड इनिंग में बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन वो जो लास्ट इनिंग में लीड हुई थी उसकी वजह से हमारे बैट्समैन और हम वो डिफेंड नहीं कर पाए। जो हमारा कप्तान है अशफाक अहमद, लास्ट ईयर टॉप 5 बैट्समैन में थे। आदिल अमीन, अभी जो रेहान अफरीद है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी रन आउट हो गए। तो हमारे साथ बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी वो क्लिक नहीं करे। साहिबजादा फरहान है, पाकिस्तान खेला हुआ है, लेकिन अभी बैट लग उसकी स्टार्ट है। इंशाल्लाह अभी पहला मैच है कोविड-19 के बाद, तो देख इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में हमारी टीम ऐसी है कि किसी भी टाइम कमबैक कर सकती है। तो प्लानिंग यही है, जो इस विकेट पे स्पिनर ज़्यादा आउट करते हैं नेक्स्ट मैच में देखते हैं कि विकेट कैसी बिहेवियर करते हैं, तो उसी तरह प्लानिंग करेंगे। जो बायर मैनेजमेंट है, फ़ारूक भाई है, अब्दुल रजाक भाई है, आफ्ताब भाई है, वो पूरी सपोर्ट करते टीम को, ऐसे माहौल रखते हैं, फ्रेंडली माहौल वैसे नहीं हो कि जैसे लोग कहते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, ये फ्रेंडली माहौल रखते हैं, तो इस वजह से सारे गुल मिल के एक साथ इंशाल्लाह कमबैक करेंगे।
जब टीम को ज़रूरत हो और आप जब डिलीवर करो, क्योंकि बींग अ सीनियर प्लेयर और आप इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हो, सो आपको डिलीवर करना पड़ता है अपनी टीम के लिए. सो टफ सिचुएशन थी और उसमें एक पार्टनरशिप चाहिए थी सिंध की टीम को, तो जो मेरी और ताश भाई की हुई. और अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रहे थे और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें अल्लाह ताला ने भी मदद की. प्लानिंग सेम है जी, हर टीम जीतने जाती है. और क्योंकि कभी मैच आपका इधर स्टेडियम में है, कभी UBL पे है, फिर स्टेट बैंक पे भी हैं, हर जगह मैच है, डिफरेंट डिफरेंट विकेट्स हैं. सो आप उस हिसाब से फिर अपने प्लानिंग बनाते हो और एट द एंड जाता हर कोई जीतने के लिए ही है. और सिचुएशन वाइज खेलेंगे इंशाल्लाह, जो सिचुएशन वहाँ की डिमांड करेगी वैसे खेलेंगे. और अब ये है कि ऐसी जीत से टीम उठ जाती है और टूर्नामेंट में वापस, मतलब है कि बहुत अच्छा स्टार्ट होता है एक तरह से, ये कि आप पहली इनिंग में ऐसे लगे हुए हो, फिर सेकंड इनिंग में जब आप बॉलिंग भी कर रहे होते हो, उसके बाद फिर आपको इस तरह का टास्क मिलता है 50 ओवर में 211 रन, जहाँ पर जो है बॉलर्स का राज चल रहा है, बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है बैटिंग करना. सो उस पे आके आप इस तरह का मैच फिनिश करो, और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है आई थिंक सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि लास्ट ईयर के वो विनर्स भी हैं. सो इससे टीम को बहुत ज़्यादा बूस्टर मिलेगा. बेस्ट प्लेयर्स हैं आपके जो ये 6 टीमें हैं, इसमें बेस्ट प्लेयर्स हैं. सो आप बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो. इंडिविजुअल अगर आप देखो तो आप बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो और बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो. सो इसमें आपको अपने आप को और इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा कि यार आप कहाँ स्टैंड करते हो. और जो ये नया सेटअप है, होपफुली इससे और ज़्यादा जो है फ्यूचर में हमें इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो. और कंपटीशन आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्रीम है समझ लें कि ये खेल रहे हैं, और इसके अलावा भी क्रीम तो नहीं है आपके पास, तो ये क्रीम है. तो इनके और इनके साथ आप मर्ज होते हो, और इसके खिलाफ अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका जो इंडिविजुअल, आपका जो पॉजिटिव वो कहते हैं ना साइंस होते हैं अंदर के, वो भी ज़्यादा ऊपर जाते हैं और मेंटली आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते हो. देखिए बॉलिंग के प्लान्स तो सच कुछ इतने ख़ास नहीं बनाए होते, बस एक बड़ी बेसिक को एक जहन में रख के हमेशा बॉलिंग स्टार्ट की हर मैच में, ओवरऑल पूरे अपने करियर में, कि अच्छी लाइन लेंथ में गेन करनी है, अच्छी जगह से बॉल को स्विंग करना है. क्योंकि एक बेसिक चीज़ ये है कि जब आप अच्छी जगह से बॉल को स्विंग करते हैं, अच्छी लेंथ पे बॉल फेंकते हैं, तो चाहे दुनिया को कोई भी बैट्समैन होता तो वो डिस्टर्ब होता है. अर्ली ऑन पिच थोड़ा सॉफ्ट था और उसमें इतने ज़्यादा बाउंसर्स नहीं जा रहे थे, तो आपने देखा होगा, आप देखें अगर मैच का रिव्यू करें तो उसमें हमने इतना ज़्यादा बाउंसर्स अटैम्प्ट भी नहीं किए जाने के लिए, हमने बाउंसर्स नहीं डाले, तो इसलिए क्योंकि उसमें जा ही नहीं रहा था बॉल. तो हमने कोशिश ये की थी कि अच्छी लाइन ओ लेंथ पे विकेट टू विकेट बॉल करें, और बस यही फोकस था हमारा कि हम ज़्यादा बाहर ना बॉल करें, ज़्यादा स्टंप टू स्टंप बॉल करेंगे तो उसी से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो हुआ. ऑब्वियसली इसके अंदर आपको जगह बनाना पड़ेगी, इसके अंदर जो बाहर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको, उनके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और आके आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए. क्योंकि ये पाकिस्तान के सारे वो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए ऑलरेडी, और जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. तो बेसिकली जब इतने अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे तो आपको नीचे से ऊपर आने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होना पड़ेगा, तो ही आप आके इस फॉर्मेट में फिट हो सकेंगे. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी टीममेट्स को मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमने एक दूसरे से मिलना भी था, और ऑफ कोर्स एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करना था, और लॉकडाउन कैसे गुजरा सबकी डिफरेंट स्टोरीज थी. और चूंकि हम लोग एक बायोस्फीयर बबल में थे तो हमें, हमारे पास काफ़ी कुछ था एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए भी और एक दूसरे से सीखने के लिए भी. अदर देन के एक्साइटमेंट तो थी, और क्योंकि पता था कि एक दूसरे के साथ हमने जेल होके भी रहना है, और काफ़ी टाइम की वो एक दूरी थी जो कि हमने काफ़ी टाइम बाद जो एक दूसरे के साथ हुए, तो काफ़ी कुछ नया भी था सीखने को, और काफ़ी मज़ाया चीज़ें भी हुई. काफ़ी जैसे हमारे पास PS4 था जो कि हम आपस में हम लोग चार कंट्रोल्स के साथ सब मिल के कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी तो वेट करते रहते थे अक्सर. और बहुत चीज़ें ऐसी भी हुई जैसे कि फीफा में बहुत अच्छा हमने भागना सीख लिया, ड्रिबलिंग सीख ली, ड्रिल्स बहुत अच्छी सीख ली हमने, और काफ़ी मैच हम डालते थे एक दूसरे से कि जी कौन जीतेगा कौन नहीं. बहुत इन्जॉय किया मैंने, और जो टास्क नज़र आ रहा है हमें आगे भी, और जो टास्क है अभी हमारे लिए उसको कम्पीट करना और उस लेवल पर जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आपने क्रिकेट को ज्वाइन भी करना था और क्रिकेट खेलना था और अपनी वो जो पहले रूटीन थी वापस लेकर आनी थी. 2 times हमारी कोरोना की टेस्टिंग हुई, उसके बाद हम लोग इस बबल में, बायोस्फीयर बबल में हम लोग शिफ्ट हुए, जो कि
बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है हमारा, क्योंकि ये एक तरह की रिहर्सल थी हम लोगों के लिए इसके बाद जितनी भी हमारी डोमेस्टिक सीरीज़ होंगी या इंटरनेशनल सीरीज़ होंगी। तो आई गेस हमें पहले से इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम बबल में आगे कैसे सर्वाइव करना है और कैसे रहना है, अपना आप कैसे रखना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि कोविड में क्रिकेट का एग्जिस्ट दोनों का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हमारे लिए ऑफकोर्स आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, जो कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हमारा क्रिकेट वापस आएगा।